नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। बोर्ड परीक्षा परिणामों की रैंकिंग बढ़ाने के साथ उमरिया जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने कलेक्टर ने कमान संभाली और स्कूलों में पहुंचकर अभिभावकों की मौजूदगी में छात्रों की क्लास ली। उमरिया जिले में शिक्षा का स्तर सुधारने कलेक्टर स्वरचिश सोमवंशी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इम्तिहान का समाधान नामक कार्यक्रम के तहत आगामी बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परिणाम लाने जिले के कलेक्टर स्कूलों में छात्रों और उनके अभिभावकों से सीधे संवाद कर रहे हैं और पढ़ाई परीक्षा में अच्छे अंक लाने के भी गुण सिखा रहे हैं। कलेक्टर बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को भी क्रैक करने के छात्रों को उपाय बता रहे हैं। बहुत ही ऊर्जावान व सकारात्मक सीख मिली। सर ने बहुत से चीज़ में गाइडलाइंस दी हैं, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड और जो हमारे ड्रीम्स और गोल्स हैं फ्यूचर में उसके लिए। इम्तिहान से समाधान के तहत कलेक्टर छात्रों को परीक्षा में उपयोगी चीज़ों से अवगत तो करा ही रहे हैं, साथ ही देश की एकता और अखंडता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। जी, उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेटिंग बातें बताई हैं जिससे हम अपने जो फ्यूचर, हमारा फ्यूचर का गोल है उसे अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत कर सकते हैं। जैसे मुझे, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है मुझे, और उसके लिए उन्होंने मतलब हमें काफ़ी इंस्पायर किया और बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि हम कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा लगा और काफ़ी फैमिलियर थे वो। छात्रों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर जवाब देते हुए अपने भारत दर्शन के अनुभव साझा करते हुए कलेक्टर ने भारत देश को विविधताओं वाला देश बताते हुए कलेक्टर ने कहा, देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता में है। कलेक्टर ने कहा कि स्कूली छात्रों से संवाद का ये आयोजन गांव-गांव तक जाकर समुदाय के बीच चलाया जाएगा। आज कलेक्टर सर ने हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, हमारे ड्रीम्स के लिए उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई और उन्होंने कहा हमें ये विश्वास दिलाया कि हम हर कुछ पा सकते हैं अगर हम हार्ड वर्क करें। उनकी ये बातें सुन के हम अपने ड्रीम्स के लिए और भी उत्सुक हो रहे हैं और भी उत्सुक हो रहे हैं कि हम और ज़्यादा हार्ड वर्क करके उन्हें अचीव करें। थैंक यू। बच्चों और उनके अभिभावकों से बात करना कि अपना इंगेजमेंट स्कूल में बढ़ाएं, और तीसरा जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके साथ बोर्ड एग्जाम्स के बारे में और पढ़ाई की रणनीति के विषय में चर्चा की। तो ये इस प्रकार से तीन चरण में ये प्रोग्राम था। बिल्कुल, अभी तक जो हम लोग करते थे, हमारी रणनीति होती थी कि CACs, BACs, BRC, BEO, DEO, कलेक्टर सभी स्कूल का इंस्पेक्शन करते थे। हम लोगों ने जो अभी रणनीति बनाई है वो ये है कि इंस्पेक्शन तो अपनी जगह ठीक है, बट हम लोग जो कम्युनिटी है, जो बसाहटे हैं, उनमें जाके उन जो बच्चे हैं हमारे, उनके माँ बाप को इंगेज करेंगे ताकि जो हमारी पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग होती है वो और फ्रूटफुल हों, वो और क्वालिटेटिव हों, और बच्चे जो ज़्यादा समय अपने घर में रहते हैं तो उनके माँ बाप बच्चों पे ध्यान दें और विद्यालयों की भी हम जितना हो सके उसमें क्वालिटी। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में स्कूल तो बहुत है मगर शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहाँ का रिजल्ट औसत से भी कम आता रहा है और कलेक्टर का प्रयास इसी स्तर में सुधार लाना है। देखना होगा कि स्कूलों में जाकर छात्रों को परीक्षा का सबक सिखाने का ये कर्तव्य कितना कारगर साबित होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।